हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को MFC मोज 4 क्रिएट प्रोग्राम में सिलेक्शन से रिलेटेड 9 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस 9 काम को अच्छे तरीके से कर लेते हो, अगर आप लोग इस 9 पॉइंट को फॉलो करते हो, तो आप लोगों के अकाउंट जो है 100% MFC मोज 4 क्रिएट प्रोग्राम में सेलेक्ट हो सकते हैं और गिफ्ट और पैसों की बारिश हो सकती है। पर यहाँ पे MFC में सिलेक्शन होना जरूरी है। तो कैसे आप लोग को ये 9 काम करना है और कौन कौन से 9 काम है जिसके बाद आप लोग का 100% MFC में सिलेक्शन होगा, तो इस वीडियो में बने रहना। मैं आप लोगों को इस 9 पॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को एक लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को मौज एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी चैनल जनरेटेड वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं सीधे अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन। फ्रेंड्स, आज के मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में मौज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मौज वीडियो का वॉइस थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे हमारी मौज वीडियो को क्लियर और साफ नहीं देगा। अब चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर मौज एप्लीकेशन पे आप लोगों को 9 काम कौन से करने हैं जिसके पास आप लोगों का जो है 100% MFC में सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि नीचे साइड में देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे जो है एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करोगे, आप लोग सामने आपका प्रोफाइल ओपन होकर चलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आप लोग को कौन कौन से काम करने हैं जिनके बाद आप लोग का MFC में सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग इस पर क्लिक करोगे, आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग जो फोटो देखने को मिलेगा, प्रोफाइल फोटो, तो सबसे पहले आप लोग को इसी पे काम करना है, इसी से जो रिलेटेड है आप लोग का MFC। अब सिंपल आपको करना क्या होगा कि इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग इस पे क्लिक करोगे, आप लोग सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है आप लोगों का गैलरी का और दूसरे नंबर में आ जाता है कैमरे का। तो यहाँ पे आप लोग जो फोटो अपलोड करना है वो गुड है, यहाँ पे जो है लुक्स ग्रेट आपको वीडियो अपलोड करना है, जो कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है वो बिल्कुल ही क्लीन है। आप लोग देख सकते हो कि कहीं पे भी आप लोगों को ब्लरिंग का कोई भी सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को जो भी यहाँ पे फोटो अपलोड करना है वो पूरा का पूरा HD क्वालिटी का फोटो होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे लो क्वालिटी का फोटो अपलोड करोगे तो आपके MFC में सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग को अपना जो प्रोफाइल फोटो लगाना है वो बिल्कुल ही क्लियर और साफ लगाना है। जब यहाँ पे आप लोग अपना अच्छा सा फोटो लगा लो, उसके बाद में आप लोग को दूसरे नंबर में जो काम करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग को यूजर नेम पर आपको काम करना है। अब आप लोग कहोगे कि यूजर नेम भी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, MFC में सिलेक्शन के लिए यूजर नेम भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहोगे इसमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम लिखा हुआ है राजू कुमार 6, पर यहीं पे अगर आप लोग देखोगे तो काफी सारे लोग करते क्या है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ से 10 तक जो है इनका नंबर ही रहता है। तो आप लोग को नंबर नहीं बल्कि आप लोग को ये अपना यूजर नेम क्रिएट करना है जो कि यूनिक होना चाहिए, जिससे कि लगे मौज टीम को कि ये जो बंदा है बिल्कुल यूनिक है और क्रिएटर है। तो आप लोग को अपना जो यूजर नेम, जैसे कि आप लोग का सनू है तो आप लोग सनू 2-3 लिख सकते हो, मतलब कि 3 तक लिख सकते हो। उससे अगर आप लोग ज्यादा नंबर लगाते हो तो आप लोग के सिलेक्शन में दिक्कतें आ सकती है। तो आप लोग को अपने यूजर नेम को अच्छे तरीके से एडिट कर लेना होगा। अब आप लोग को तीसरे नंबर जो काम करना है, यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा बायो। अब आप लोग कहोगे भाई बायो में क्या इंपोर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं बायो जो है आप लोग के सिलेक्शन से मेन बनता है। अब आप लोग कहोगे इसमें करना क्या होगा और हमें बायो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि अगर आप लोग लिपसिंग का क्रिएटर हो या आप लोग कॉमेडी का क्रिएटर हो तो आप लोग लिख सकते हो कि मैं कॉमेडी का क्रिएटर हूँ, मैं अभी जो है मौज एप्लीकेशन पे कॉमेडी का वीडियोस अपलोड करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने बायो को अट्रैक्टिव लिख सकते हो, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना है। आप लोग एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोग फोन नंबर नहीं डाल सकते हो और जो है दूसरे का डाटा नहीं डाल सकते हो, आपका खुद का डाटा यहाँ पे आना चाहिए। यानी कि आप लोग फोन नंबर नहीं डाल के आप लोग हर कुछ जो है वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में आप लोग को जो यहाँ पे जो आप लोगों को काम करना है वो वगैरह आप लोग को चौथे नंबर में जो काम करना है यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को देखने को मिल जाता है आप लोग को डेट ऑफ बर्थ। अब आप लोग कहोगे भाई हमें डेट ऑफ बर्थ पे क्या काम करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सो कि आप लोगों को क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना। अब आप लोग कहोगे कि मैंने कि तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगा। आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ रखना है, जिसका भी आप लोग वीडियो अपलोड करो, जैसे कि अगर आपका खुद का वीडियोस है तो आपका जो है खुद का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करना होगा। अब इससे होगा क्या कि अगर आप लोग अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे तो मौज टीम को लगेगा कि ये बंदा रियल है, तो आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा अच्छे से काम कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों को पांचवें नंबर पे काम करना है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर देख लेना।
अब आप लोग कहोगे भाई ध्यान देखिए क्या देखने वाली बात है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को एक ऐड फोन नंबर का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप लोग का यहाँ पे अगर आप लोग का फोन नंबर ऐड नहीं होता है तो आप भूल ही जाओगे, आप मौज एप्लीकेशन से पैसा कमाओगे, मौज एप्लीकेशन की तरफ से गिफ्ट आएंगे। अब आप लोग कहोगे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इसी नंबर पे आप लोगों को कॉल भी आता है और इसी नंबर से जो भी गिफ्ट वगैरह देना होता है तो मौज टीम आप लोगों से इसी नंबर से कनेक्ट करता है। तो आप लोगों के यहाँ पे अगर आप लोग का फोन नंबर ऐड नहीं है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि उस अकाउंट को डिलीट करके आप लोगों का न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, और वो जो अकाउंट होना चाहिए वो फोन नंबर से अगर आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे तो जल्दी से जल्दी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये इस काम को आप लोगों को जरूर से जरूर कर लेना है। अब आप लोगों को छठे नंबर जो काम करना है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर देख लेना। अब क्या काम करना है नीचे की तरफ में देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सोशल मीडिया ऐड का, पर यहाँ पे मेरा जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम को ऐड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहोगे भाई इंस्टाग्राम को ऐड करना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को पता है कि जैसे यूट्यूब पे हम लोग सिलेक्शन के लिए मोनेटाइजेशन के अप्लाई करते हैं तो होता क्या कि हमारे अदर भी सोशल मीडिया को चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है कि ये बंदा रियल है फेक। अगर आप लोगों का रियल और फेक का पहचान करना है तो आप लोगों को अपना सोशल मीडिया को ऐड कर देना है, जिससे कि मौज टीम जब भी आपके अकाउंट को रिव्यू करे तो डायरेक्टली जो है यहाँ से आकर चेक कर सके कि ये बंदा रियल है फेक। जब ये आप लोग कर लोगे तो आप लोग का जो इंस्टाग्राम है आपके प्रोफाइल पे ऊपर ही देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लोग का फॉलोअर भी बढ़ेगा और मौज टीम को जब भी लगेगा कि इन बंदा जो है इनका अकाउंट को रिव्यू करना चाहिए तो आपके अकाउंट को रिव्यू कर सकते हैं, जिसके कारण जो है आप लोग का जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोग को सातवें नंबर में जो काम करना है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देख लेना। अब क्या करना है सातवें नंबर में काम वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो आप लोग का आपका खुद का वीडियोस होगा, पर यहाँ पे अब आप लोग को थोड़ा सा काम करना है। अब क्या काम करना है, जैसे कि आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो ये प्रोफाइल फोटोज है उसी से उसी का फेस का जो यहाँ पे आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग कहोगे इसका क्या मैटर है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी टीम जो है आपके प्रोफाइल को चेक करती है तो वो मैच करते कि आपका जो फोटो से आपके वीडियो से मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपका जो भी ऊपर प्रोफाइल फोटोज है उससे मैच करना चाहिए। अगर आप लोग मिड डिसमैच वाले वीडियोस अपलोड करोगे, दूसरे के वीडियोस अपलोड करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल ही सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी आप लोगों ने वाटरमार्क वाले वीडियोस और दूसरे के वीडियोस अपलोड किए उन वीडियोस को डिलीट करके आपको खुद का अपना वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड करना है, तो आप लोगों के सिलेक्शन के जो है 100% चांसेस बन ही जाते हैं। अब आठवें नंबर में जो आपको काम करना है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देकर देख लेना। अब आठवां नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही, पर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आठवें नंबर। अब क्या इंपॉर्टेंट है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऊपर की साइड में देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे थिलियन का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली आपको थिलियन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग थिलियन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल वेरिफिकेशन बैच। अब आप लोग कहोगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मोबाइल वेरिफिकेशन बैच को जैसे लिखा हुआ है नीचे की तरफ में देख सकते हो यू हैव वेरीफाइड योर प्रोफाइल, यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा गया कि ये जो बंदा है वेरीफाइड है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मोबाइल वेरिफिकेशन बैच को क्लेम करते हो इनेबल कर लेते हो तो मौज टीम को लगता है कि ये बंदा बिल्कुल रियल है, बिल्कुल जेन्युइन है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी जो कनेक्ट किया जाए और उसी नंबर पर आप लोग कनेक्ट किया जाता है जिस नंबर को यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ये भी मैंने आप लोग को आठ काम बता दिया। अब आप लोग को नौवा जो काम करना है, जो नौवा काम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है आप लोग का सिलेक्शन होता है और उसी से मौज एप्लीकेशन करता है कि इससे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि नीचे की तरफ में देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे एक सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग सर्च वाले आइकन पे क्लिक करोगे आप आ जाते हो डिस्कॉर्ड पेज पे। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग सामने जो है काफी सारे ट्रेंडिंग हैशटैग देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। अब आप लोग कहोगे इन पे करना क्या होगा कि तो आपको क्या करना है कि जो भी आप लोग को यहाँ पर ट्रेंडिंग हैशटैग देखने को मिलता है इन पे आपको वीडियोस अपलोड करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखोगे तो आप लोग कॉमेडी का एक हैशटैग देखने को मिलेगा, सिंपली हम लोग कॉमेडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम लोग कॉमेडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो कॉमेडी का हैशटैग है तो जो भी आप लोग को यहाँ पे वीडियोस अपलोड करना है आपको कॉमेडी से रिलेटेड ही अपलोड करना है। तो ये तो आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में बता ही चुका है, पर यहाँ पे आप लोगों को एक और काम करना है जो कि आप लोगों को जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि उसी का जो है सिलेक्शन होता है। अब क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखोगे तो नीचे की तरफ में जो है आप लोग को यहाँ पे जो है प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो आप लोग सामने जो है यहाँ पे मौज एप्लीकेशन का कैमरा ओपन होकर चलाएगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि नीचे के साइड देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे लेंसेज का ऑप्शन नजर आएगा, सिंपली आपको लेंसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
सो जैसे लोग लेंसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप लोग सामने मौज एप्लीकेशन का लेंसेज ओपन होकर चलाएगा। जिस तरीके से आप लोग लैपटॉप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा हैंडसम देखने को मिल रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप लोग क्या करना है कि जब भी मौज एप्लीकेशन पे एमएफसी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो वहाँ पे बताया जाता है कि आपको अपने प्रोफाइल, आपको जो भी वीडियोस अपलोड करना है मौज एप्लीकेशन का लेंसेज का यूज करना है, वीडियोज का यूज करना है, तो आप लोग को यहाँ पे जो भी लेंसेज पसंद आते हैं उस लेंसेज पे आप लोग वीडियोज अपलोड करोगे तो आप लोग का जो है 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, आप लोग का जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो मैंने आप लोगों को नौ काम बताए हैं, जो मैं आपको नौ ट्रिक बताए हैं, इन नौ ट्रिक को अगर आप लोग अच्छे तरीके से यूज करते हो, अच्छे तरीके से वर्क करते हो, तो आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा और आपको मौज एप्लीकेशन की तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और भर भर के आप लोग यहाँ से पैसे कमा पाओगे। तो यही नौ ट्रिक काम थे जो आपको करने हैं अपने प्रोफाइल पे, तो आप लोग का जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि चले मैं आपको बता दूँगा, अब आप लोग काफ़ी सारे लोग कहते भी होंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, तो चले मैं आपको बता ही देता हूँ। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे लैप प्रूफ देख पाओगे कि मेरा जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है और यहाँ पर देख सो कि हमारे अकाउंट पर लिख के आ रहा है वेलकम टू मौज फॉर क्रिएटर। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लेना, मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चले फिर मैं तो आप सकते इंटरेस्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।